जेई मेंस 2024 का जो आपका 27 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम जो है आपके लिए एनालिसिस लाए हैं कि कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, क्या चीजों का जो है नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी शिफ्ट 1 का जो एनालिसिस है वो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे जो है शिफ्ट 2 की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या कि फिजिक्स में जो है ज्यादातर यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, और अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो वहां पे भी जो है यही सेम चीज थी। और कई क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स ने ये बताया कि भाई सिमिलर थे आपके पीवाईक्यूज जैसे, और ज्यादातर मतलब हम जो है फिजिक्स को यहाँ पे इजियर साइड पे ही जो है कंसिडर कर सकते हैं, और असम्पशन रीजन क्वेश्चन जो है अच्छे खासे यहाँ पे पूछे गए थे। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है शिफ्ट 2 में हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिला, जबकि सुबह की शिफ्ट में इनऑर्गेनिक थोड़ा जो है हायर साइड पे था। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छी चीज ये थी कि ज्यादातर क्वेश्चन का जो लेवल था वो एनसीईआरटी बेस्ड था। तो मैं आपको जो है पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि केमिस्ट्री जो है आप एनसीईआरटी अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाइए। और फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि हमारी यहाँ पे पिछली शिफ्ट में भी हमारे साथ हुआ था। मैथ्स में भी जो है सेक्शन आपका थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी था, तो उसकी वजह से जो है टाइम टेकिंग था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कि थोड़ा इजी साइड पे था तो उसके कारण स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैथ्स में भी जो है टाइम मिल रहा था। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हाई वेटेज सेक्शंस की बात कर ले तो मैथ्स में जो है वेक्टर्स एंड 3D के आपको जो है लगभग यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। इंटीग्रल कैलकुलस के जो है 3 क्वेश्चन थे, कोनिक सेक्शन का जो है आपका यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन थे, बायनोमियल के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट बायनोमियल में जो वो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन रहते हैं उस टाइप का पूछ लिया गया था। मैट्राइसेस का भी जो है सिंपल था, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता थी तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। फिर आपका फिजिक्स में बात करें तो भाई मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, वेव्स से पूछा गया, काइनेमेटिक्स से पूछा गया, ग्रेविटेशन से पूछा गया। एंड केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का जो है अच्छा वेटेज रहा, ठीक है। आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन देखने को मिले, डी ब्लॉक से जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। तो बाकी चैप्टर्स का लगभग जो है इक्वल वेटेज था, बट ये कुछ थे चैप्टर्स जहाँ पे जो है आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल गए। अब नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली चीज है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो भाई फिजिक्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। दोनों शिफ्ट में जो है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो अगर आप फॉर्मुलेस अच्छे से करके जाते हो तो आपको जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। और मैं तो ये कहूंगा कल का दिन जैसे कि भाई आपके यहाँ पे छुट्टी है तो आपको जो है सिंपली पेपर पे खुद से ही सारे फॉर्मुलेस एक बार लिख लो, एग्जाम के टाइम पे भूलोगे नहीं। केमिस्ट्री में जो है जितना भी एनसीईआरटी में भी चीजें पढ़ी होगी, इंपॉर्टेंट आपने जो है हाईलाइट कर लिया होगा पोर्शन या फिर मार्क कर लिया होगा, उनको ही जो है बार बार रिवाइज करो। एनसीईआरटी बेस्ड जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक देखने को मिल रही है, और फिजिकल केमिस्ट्री के जो है लास्ट टाइम पे अच्छे से फॉर्मुलाज देख लो। मैथ्स में जो है आप देखो मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आ ही रहा है, तो इसके लिए बस ये चीज कर सकते हो कि आखिरी में अच्छे से फॉर्मुलेस देख लो कि भाई फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन फंस गया तो कम से कम वो गलत नहीं करके आओ। और जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज हमने हमारे चैनल पे आपके लिए अपलोड करी है, पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, उसको जरूर से करके जाइएगा क्योंकि हर शिफ्ट में वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो आपकी शिफ्ट में भी जो है वहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम जो है उन शिफ्ट के स्टूडेंट्स की बात करें जिनका ऑलरेडी पेपर हो चुका है, तो देखो आज थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट ले लो और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब जो है प्रिपरेशन यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है खुद को आप टाइम दीजिए, कोई बात नहीं, जैसा भी अगर आपका पेपर गया अच्छा गया तो बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में और ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल बूस्ट कर पाए। एंड अगर जो है पेपर यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ गया है तो अभी जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट है जिसमें आप और बेटर यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास दूसरी एग्जाम्स रहती है जैसे कि बिटसेट हो गई, यूजी डबल ई हो गई एंड वीआईटी ट्रिपल ई, ऐसी करके जो भी और एग्जाम्स है उनको भी आप जरूर से यहाँ पे चेक करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शंस खुले रहेंगे उतना बेटर है। और अगर आप जो है अपनी बिटसेट के प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आपको जो है कई रिसोर्सेस मिल जाएंगे, और आज ही जो है हमने यहाँ पे नया बैच भी लॉन्च किया है तो आप जो है उसको जरूर से चेक कर सकते हो, उसकी लिंक भी जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए तो बाकी मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है यहाँ पे रिव्यू वीडियोस आएंगे तो आप उनको जो है जरूर से चेक कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि पेपर का जो ट्रेंड है वो किस साइड चल रहा है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।